अस्सलाम वालेकुम भाई, शादी मुबारक। तो ये देखो, यही तंजीम चाचा के साहबजादे जिनका नाम इंजमाम पावस्कर उर्फ गुड्डू, इन्हीं की शादी आज। देखो ये कोकनी शादी का खाना, ये काले वाटा ने काफी अच्छे लगते हैं। और वो जो ट्रेन से उक्षी का वाटरफॉल दिखता है ना, जो ब्रिज पे से, वो ब्रिज ये वाला है। चलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मजीद नेवरेकर जी, ये उनके भाई, और ये माजिद नेवरेकर और अकीब भाई। चिपलून में कॉमेंट्री के लिए, एक नया दिन, एक नया सफर। चिपलून में कॉमेंट्री के लिए जा रहा हूँ मैं, कल अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर ओपनिंग है। तो आज एक शादी अटेंड करनी है, तो वो शादी में भी जाऊँगा, दिन वहाँ से फिर चिपलून के लिए निकल जाऊँगा। साथ में रिफू है। अपसु का बहुत बड़ा रोल है ये सब शर्ट पैंट पे जो स्त्री देखते हैं, ये अपसु ही करती है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कोई गाड़ी आए, उससे लिफ्ट लेके हम ऊपर जाए, बिकॉज गाड़ी ऊपर पार्क की है, उसके लिए भी वेट कर रहे हैं। चलो देखो, अभी स्कूटी मिल चुकी है, आता हूँ मैं गाड़ी लेके। यस यस, तुम भी आएंगे। चलो अल्लाह का शुक्र है। देखो मसूद मामू इधर ही रुकने वाले थे सड़े पे, लेकिन अपने को छोड़ने के लिए अपने गाड़ी के यहाँ पर आ रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह खैर। गाड़ी स्टार्ट किया हूँ, और जितनी भी हीट है वो सब बाहर निकलना चाहिए, इसके लिए मैंने डोर ओपन किए हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी कर रही है। और चलो हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं। अभी रिफत आ चुकी है, अभी रिफत को लेकर, फिर रिफत को रत्नागिरी छोड़ना है। रिफत गोकटे में पड़ती है, कल से एग्ज़ाम है। चलो चलो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलो चलो, इस सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। अब इधर मामू काम कर रहे हैं। हर सुबह पाव, बन मस्का, मस्का पाव, ये सब लेके आते हैं ना। चल अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चल रिफत को छोड़ दें हमने। अब्बा के काफी करीबी दोस्त तंजीम चाचा, उनके साहबजादे यानी उनके लड़के की शादी है। देखो कोकन नगर में उतरा मैं, गाड़ी देख के पहचाने मेरे को। यस यस, गाड़ी देख के पहचाने। ओके, वीडियोस देखते हो ना? अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा ओके, अच्छा लगता है ना वीडियोस? ओके ओके, जज़ाकअल्लाह खैर, अच्छा लगा आपसे मिल के। यस यस, जरूर जरूर, चलो जज़ाकअल्लाह खैर, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, शादी मुबारक। तो ये देखो, यही तंजीम चाचा के साहबजादे जिनका नाम इंजमाम पावस्कर उर्फ गुड्डू, इन्हीं की शादी आज। इनके शादी में हम आए, गुड्डू पावस्कर, इंजमाम पावस्कर, उनकी शादी है। तो फिलहाल अभी खाने का टाइम हुआ, पहले खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर मैं आप लोगों को मिलूंगा। चलो, और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं, कुछ लोगों ने खाना भी खाए हैं। ये तंजीम चाचा। चलो कभी आए। देखो ये कोकनी शादी का खाना, ये काले वाटा ने काफ़ी अच्छे लगते हैं अपने। आ जाओ, बिस्मिल्लाह करते हैं। और मुसू भाई के लिए मैंने जगह रखा था, मुसू भाई को जगह ही नहीं मिली। राजू भाई आ जाओ, बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये जो मझगांव रोड है ना, यहाँ से हमें सीधा 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 ही चलना है। लाइक 10 से 15 किलोमीटर का ये रोड होगा। हैप्पी होली, हैप्पी होली। ये आया कड़बुड़े, सीधा के सीधा। अब यहाँ से हमें राइट जाएंगे तो हाथ खंबा आएगा, सीधा जाएंगे ना तो उक्षी में हम लोग ये रोड से बाहर निकलेंगे। ये रोड से हमें सीधा सीधा जाना है, और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। देखो एक घाट लगता है छोटा सा, और व्यू देखो आप लोग, क्या ही व्यू है, बड़ा उतार है। और वो जो ट्रेन से उक्षी का वाटरफॉल दिखता है ना, जो ब्रिज पे से, वो ब्रिज ये वाला है जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, एक छोटा सा ब्रिज यहाँ का। और यहाँ तक बारिश में ऊपर तक पानी आ जाता है, तो ब्रिज पे जब पानी भरता है तो यहाँ से गाड़ी ना ही लेके जाए तो बेहतर है। सामने वो देखो ब्रिज, रेलवे ब्रिज, ट्रेन आना चाहिए था तो क्या ही व्यू लगता था।
सो अभी यहाँ पर ये उक्षी गांव है और ये उक्षी का ब्रिज काफी बेहतर ब्रिज है यहाँ का। ये अक्सर आपने ये हाईवे से जो ऊपर दिख रहा है वो हाईवे है, वहां से ये ब्रिज देखा होगा। सो बहुत ही शानदार ब्रिज। और कितने लोग उक्षी से हमारी वीडियोस देखते हैं उनको सलाम और दुआ, अगर देखते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वो ब्रिज से ऊपर चढ़ने के बाद फिर एक बार अभी हम ये हाईवे पे आ चुके हैं, मुंबई गोवा हाईवे। देखो ये कंडीशन है हाईवे की, आगे का कुछ दिखता ही नहीं है। लो जी फिर एक बार अभी हम पहुंच गए हैं संगमेश्वर। फिर एक बार हम आ चुके हैं संगमेश्वर में, वही नगरी में जहाँ पर हमने 6 दिन बिताए और काफी बेहतरीन वो दिन, काफी अच्छी वो यादें। अंदर जाएंगे तो कस्बा, कस्बा के आगे कलम वस्त। अभी कस्बा गांव का एक वीडियो देखा रिसेंटली मैंने, कोकनी माउंटेनियर अकलाक नागोट ने सर, इनके चैनल पे काफी इन्फॉर्मेटिव वो वीडियो बनाया कस्बा गांव के ऊपर। कस्बा गांव के जो घर है अभी भी वही मोस्टली घर जो है ना वो पुराने स्ट्रक्चर के हैं। सो अभी कलम वस्ते आने का खास रीज़न कुछ इस प्रकार है कि आप लोगों ने मेरे 2-3 ब्लॉग में नोटिस किया होगा कि मेरे रिंग नहीं है, मेरी रिंग। तो वो रिंग कहाँ थी वो मुझे भी आइडिया नहीं था कि रिंग कहाँ थी। तो वो रिंग मिली हसीब नेवरेकर, इनको वो रिंग मिली और वो रिंग इनके पास है, संभाली हुई अमानत। काफ़ी सालों से मेरे पास ये रिंग है। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सलाम वालेकुम। काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखे थे आपने हमारा। चलो आज यही घर की ओपनिंग है ना? हाँ जी। ओके तो आज ये घर की ओपनिंग आते ही साथ यहाँ पर हमें अच्छी मेहमान नवाजी की जा रही है। यस यस अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये अभी खजूरें यहाँ पर भी है, हमारे यहाँ पे भी खजूरें मिलते हैं, यहाँ पर भी खजूरें हैं। देखो जो SSW में कमेंट्री करने के लिए आया था ना सैयद शमशुद्दीन वली, ये वो दरगाह है। देखो ये मस्जिद नेवरेकर जी, उनके वाइफ और ये माजिद नेवरेकर और अकीब भाई और अजमल भाई, ये सब यहाँ पर है, इनके घर के यहाँ पे हम रुके हैं। चलो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, काफी उन लोग बोल रहे थे रुकने के लिए बट जल्दी जाना है, पहुँचना है। क्या व्यू लग रहा है यार, ये दिल खुश। यही शिवपुरी की बात कर रहा था मैं, पहले इसको खाता हूँ। इसके बाद ब्रिज के यहाँ पर आ चुके हैं। और जो साइड वाला ब्रिज है वो भी बन चुका है, बस थोड़ा सा काम बाकी है, वो भी हो जाएगा अभी। और ये जो ब्रिज है ये 100 साल के ऊपर हो गया है। और जितने भी हमारे जो सब्सक्राइबर संगमेश्वर कलम बस्ते नायरी कस्बा और भी कोई गांव से है वो अगर ये वीडियो देख रहे तो उनको सबको सलाम दुआ। और कस्बा संगमेश्वर के जितने भी है ना सब ओरम क्रिकेट के प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं। जो अभी हम रुके हैं धामनी के पेट्रोल पंप पे, यहाँ पर CNG भी है और पेट्रोल डीजल भी है। इससे पहले लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पर आया था ना तब मैं सनराइज में रुकने के लिए था जो पीछे चले गया, तो काफ़ी अच्छी यादें हैं। और फिर एक बार संगमेश्वर चैंपियंस ट्रॉफी अभी आ रही है, रामबाई ने बताया कि 1-2 महीने में वो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं संगमेश्वर चैंपियंस ट्रॉफी। भाई यहाँ से शायद ये रोड अच्छा है, सावरडे में मैंने ये ग्राउंड पे कमेंट्री की थी। सावरडे है, सावरडे। अभी अंधेरा हो चुका है। बोले मागजन बस स्टैंड गया सिकलून का, अंदर आने के बाद हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है। सो ये देखो ये फिलहाल अभी यहाँ पर रिटर्न क्रीज का काम चल रहा है। इधर मैं आपका सब्सक्राइबर हुआ। अच्छा सब्सक्राइबर हो गया, जैसा कर। तो अभी मैं ग्राउंड से जा रहा हूँ जहाँ पर मैं आज रुकने वाला हूँ, वहाँ पर जा रहे हैं। हमारे सुफियान भाई है, इनके साथ में आए हैं एवन कबाब। यहाँ का कबाब काफी ज्यादा फेमस है और मटन सीख कबाब और चिकन भुना अगर काफी ज्यादा फेमस है, तो अभी हम लोग चिकन भुना ट्राई करने वाले। चिकन भुना आ चुका है, साथ में पराठा भी आ चुका है। दो पराठा पहले ऑर्डर किए हैं, इसके बाद खाएंगे। इधर का भुना काफी ज्यादा मशहूर है, सारे बिस्मिल्लाह करते हैं। उसके बाद आया है मलाई टिक्का, 12 बूटी आते हैं इसके अंदर, 12 अच्छे खाएंगे आधा आधा। देखो एवन कबाब में चिपलून में पहली बार ही मैंने कुछ खाया है, काफी ज्यादा अच्छा टेस्ट आया है।
तो ज़रूर अगर कभी चिपलून में आते हो तो गोवलकोट रोड पे एवन कबाब है, यहाँ पर आओ और यहाँ का टेस्ट लो। अब्दुल्ला सुफियान भाई ने काफ़ी सही जगह पे लेके आए हमें। देखो ये कोकनी फ्रेंड क्लब चिपलून प्रेजेंट चिपलून कोकनी प्रीमियर लीग, सो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ मैं और ये मेरे टूर्नामेंट काफ़ी दिल के करीब है क्योंकि ये कोकनी प्रीमियर लीग है हमारे कोकन की, ये कोकनी प्रीमियर लीग और सब बैनर्स और सब तैयारी यहाँ पर चल रही है। सो अभी हम लोग रहने के लिए इधर ही उपताड़ में आसिफ भाई उनका ये फ्लैट है तो यहाँ पर अभी रुकने वाले हैं, ऊपर से व्यू कुछ इस प्रकार दिखता है। सो अभी मैं आसिफ भाई के घर के बाहर आया हूँ, जहाँ जिनके यहाँ पे मैं रुका हूँ ना वहीं पे आया, तो एक अतराफ में एक चिकू का झाड़ है और जिसमें चिकू भी है देखो, और चिकू के ही पास में एक फार्म है छोटा सा गोट फार्म, इसमें बकरे रखे गए और इनका जो बड़ा फार्म है ना वो सातारा में है, सो ये सब बकरे यहाँ पर है। और गुड मॉर्निंग अभी हम लोग आए होटल बकरकुंड में नाश्ता करने के लिए, रात तक का ये स्पेशल मिसल और साथ में भाई है मुबशर खान भाई, मैंने देख कांदा फोर आज और बिस्मिल्लाह कर दे। इंस्ट्रक्शन अच्छी यूपी है जो गले को काफ़ी सुकून देती है। भाई के साथ अभी हम मार्केट घूम रहे हैं और चिपलून का मेन बाजार पेट है और ये वेलनेस फॉर एवर डे वन कोकनी फ्रेंड क्लब चिपलून प्रेजेंट कोकनी चिपलून कोकनी प्रीमियर लीग। और बहुत दिनों के बाद में एक अच्छी कमेंट्री का इजहार करते हुए राहित भाई सोलकर हम आपसे गुजारिश करके तो आप भी थोड़ा सा आइए स्टेज पे, क्योंकि हमारे भी बीच में भी एक हमारा सिद्दीक मेमन बहुत अच्छा कमेंटेटर है और वो कुवैत में है भी, लेकिन आप उनकी जगह पूरी कर रहे हो और हकीकत में बहुत अच्छी आप कॉमेंट्री कर रहे हो। हम सबकी तरफ से आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि आप भी बहुत अच्छी कॉमेंट्री इस तरीके से करते रहिए। नहीं बहुत अच्छी बात है, देखो हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है हम सबको। और नाजिम भाई की तरफ से आपको भी एक इनाम दिया जा रहा है 500 रुपए के लिए, सबके लिए जोरदार तालियां थोड़ा सा हो जाए। अफजल भाई माशा मैं ऊपर रह रहा हूँ पिंटू भाई के फ्लैट पे और जिन्होंने हमें कमेंट्री के लिए यहाँ पर बुलाया एजाज भाई वो यहाँ पर है, तो उनके साथ अभी हम मार्केट घूमने के लिए जा रहे हैं। चलो ये है एजाज भाई, इनके साथ में अभी जा रहे मार्केट क्वालिटी बेकरी क्वालिटी फुटवेयर, तो अभी यहाँ पर आए हैं एजाज भाई स्लीपर लेने के लिए। ये मार्केट आप लोग देख सकते काफी हरा भरा हुआ मार्केट है, ये जाएंगे एजाज भाई के साथ अंदर क्वालिटी फुटवेयर में इनको लेने स्लीपर, आए तब से शूज पे ही है। तो ये देखो आपको गाड़ी पे बाद में दिखे नहीं रहेगी, तो इन्होंने ही मुझे कॉल कमेंट्री के लिए यहाँ पर बुलाया है, फर्स्ट टाइम में मेरा चिपलून में कमेंट्री का। मेरे को इशू होता है 11 नंबर चप्पल का, उसी तरह से इशू हो रहा है एजाज भाई को क्योंकि इनके भी ये 11 नंबर ही पैर है, तो मैं पहले ऐसा बोलता था कि साइज मिलना मुश्किल है, तो अभी चिपलून में भी ये साइज की चप्पल नहीं है, तो बड़े हाइट वालों के बड़े पैर वालों के बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। भाई सब्सक्राइबर है देख के पहचाने, क्या नंबर है आपका? मुस्तकीम भाई। ओके यहीं पे रहते हो चिपलून में? तो भाई की ये चप्पल की शॉप है, क्या नाम है? फैशन पैलेस। ओके तो यहाँ पर जरूर अगर चिपलून में रहते हो तो विजिट करो और भाई के यहाँ पर आओ अपने सब आए हैं आरके स्पोर्ट्स चिपलून इम्तियाज भाई और अजीम भाई तांबे ना ये उनका शॉप। तो ये देखो यहाँ पर ट्रैक पैंट ट्रॉफीज बॉल बैट सब यहाँ पर मिलता है, तो जरूर चिपलून में यहाँ पर भी विजिट करो और अंदर भी है सब। ये देखो सभी अंदर ट्रॉफीज रखे गए हैं, ये बड़े बड़े ट्रॉफीज हैं लाइक मोमेंटोज, ये सब यहाँ पर रखे गए हैं। कैरम है .com में यहाँ पर हम लोग आए हैं खाने के लिए, कुछ ऐसा सेटअप है यहाँ का, ये GTC लाइव की टीम यहाँ पर ग्लोबल टेनिस क्रिकेट की ये और हम और साथ में खाना खाएंगे। आया चिकन हैदराबादी के साथ तंदूरी रोटी आई है, आया यहाँ पर चिकन महाराजा। चैनल है राहित सोलकर व्लॉग्स, सो सब्सक्राइब करें और यहाँ का व्लॉग आप लोग आज ही देखिए। सो खुदा हाफिज, मिलते हैं वापिस।